नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। ओमिक्रॉन हल्का नहीं है, लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और जान भी गंवा रहे हैं, WHO चीफ। WHO के महानिदेशक डॉक्टर ट्रेडोस एडनॉम गेबियस ने गुरुवार को कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में कम गंभीर प्रतीत होता है, पर विशेष रूप से टीकाकरण लोगों में यह कम गंभीर है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि इसे पिछले वेरिएंट की तरह ही माइल्ड या हल्का मान लेना चाहिए। उन्होंने चेताते हुए कहा कि ओमिक्रॉन की वजह से लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, उनकी जान भी ले रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वास्तव में मामलों की सुनामी इतनी बड़ी और तेज है कि ये दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों पर भारी पड़ रही है। स्वास्थ्य निकाय के महानिदेशक ने आगे कहा कि पहली पीढ़ी के टीके सभी संक्रमणों और संचारण को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वे अस्पताल में भर्ती होने और इस वायरस से होने वाली मृत्यु को कम करने में अत्यधिक प्रभावी रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टीकाकरण के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक उपाय जिसमें अच्छी तरह से फिटिंग वाले मास्क पहनना, दूरी बनाना, भीड़ से बचना और वेंटिलेशन में सुधार करना आदि शामिल है, वायरस को सीमित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वैक्सीन रोल आउट की वर्तमान गति से 109 देश जुलाई 2022 की शुरुआत तक अपनी 70% आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण करने से चूक जाएंगे। पिछले हफ्ते महामारी में अब तक सबसे अधिक COVID-19 के मामले सामने आए। उन्होंने आगे कहा कि हम निश्चित रूप से जानते हैं कि ये मामलों का एक कम आकलन है। CSSE के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक मामलों और मौतों और के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। मामलों के बारे में बात करें तो दूसरा सबसे प्रभावित देश भारत है, इसके बाद ब्राजील तीसरे नंबर पर आता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।